A very good morning to all of you. Students, today we are going to start with our chapter number 7 of EVS with My School. As we have already discussed this chapter in our online class, so I am going to read this chapter and discuss with you. This is My School. A school is a place where we go to study. Okay? Matlab, a girl is standing here and she is saying, यह है मेरा स्कूल है, this is my school. A school एक ऐसा place है जहाँ हम study करने के लिए जाते हैं. There are many students in my school. And my school name is New Happy Public School. My class teacher's name is Miss Bhupinder Kaur. I go to school by, as I told you in online class, जैसे भी आप आते हो, like by bus, by car, by van, anything else, okay? Take the correct word. My school has a many classrooms. My school is a big. My school has one playground. My school has big canteen. Now come to the next page. In this picture, there is a picture. Okay, आपको यहाँ पर 6 things mention करनी है जो आप अपनी class में routine में देखते हो. आप जो मैंने यहाँ पर लिखा है इसके अलावा वो कुछ और भी लिख सकते हो. Okay, now rooms in my school. अब हम discuss करेंगे school में कौन कौन से room होते हैं. First of all, as you can see that there is a office. और office किसका होता है? Principal का. This is the office of our principal. Principal कौन होते हैं? Head होते हैं school के. Okay? They look after the whole school. वो school को देखते हैं. यहाँ पर he use किया गया है because यहाँ पर man बैठे हुए हैं. But who is our principal? Our principal is a lady and Dr. Bindu Sharma ma'am. Dr. Bindu Sharma ma'am female हमारी हैं तो हम यहाँ पर she बोलेंगे. She is the head of the school. She looks after the whole school. And this is, ये क्या है? Books पड़ी हैं. Books कहाँ? इतनी सारी books कहाँ होती हैं? Library में. This is a library. It is full with many books. It has many books also. Library के एक ऐसा place है जहाँ पर हम free time में story books को reads करने जाते हैं. Maximum story books होती हैं. अगर हमारे कुछ doubts होते हैं जो हमारे अपनी books में हमें clear नहीं होते हैं, हम वहाँ पर दूसरी books में से clear करते हैं. ठीक है? Next. ये हमारा आर्ट एंड क्राफ्ट का रूम है. यहाँ पर एक आर्ट टीचर होती हैं जो हमें ड्रॉ करना और पेंट करना सिखाती हैं. ये हमारा म्यूज़िक रूम है. ठीक है, म्यूज़िक रूम में हम म्यूज़िक एंड डांस सीखते हैं. लर्न टू सिंग एंड डांस. एंड दिस इज़ अ पिक्चर ऑफ प्लेग्राउंड. हमने पहले ही पढ़ा है प्लेग्राउंड एक ही होता है एक स्कूल में. और प्लेग्राउंड में मॉर्निंग में सभी टीचर्स और स्टूडेंट्स इकट्ठे होते हैं, असेंबल होते हैं टू प्ले प्रे टू गॉड, गॉड से प्रे करने के लिए. प्रेयर होती है ना मॉर्निंग में. और सभी बच्चे स्कूल यूनिफॉर्म में यहाँ पे आते हैं. ओके, पीटी, वी डू पीटी आल्सो. हम पीटी भी करते हैं स्कूल में प्लेग्राउंड में. ओके, और कोई अब हमारी जो गेम्स की क्लास होती है, हमारे अलग अलग सब्जेक्ट्स के पीरियड्स होते हैं. जब हमारा गेम्स का पीरियड होता है तो उस टाइम पे हम प्लेग्राउंड में जाकर अलग अलग तरह की गेम्स भी प्ले करते हैं. ओके, नाउ स्कूल हैज़ मैनी डिफरेंट रूम्स. स्कूल में और बहुत से अलग से और भी डिफरेंट रूम होते हैं. लाइक ये ऑडिटोरियम. ऑडिटोरियम एक तरह से हॉल होता है जहाँ पर हम फंक्शंस कंडक्ट करते हैं. हमारे स्कूल में कोई गेस्ट आए, हमारा एनुअल फंक्शन हो, हम यहाँ पे कंडक्ट करते हैं. स्टाफ रूम जहाँ पर टीचर्स अपना फ्री टाइम में बैठते हैं और अपना वर्क करते हैं. मेडिकल रूम. स्कूल में एक मेडिकल रूम होता है जहाँ पर अगर बच्चों को या टीचर को किसी भी तरह की इंजरी हो या कोई प्रॉब्लम हो, मेडिकल ट्रीटमेंट की जरूरत हो, फर्स्ट एड यहाँ पर मिलता है. ऑफिस, यहाँ पर हमारे प्रिंसिपल मैम बैठते हैं. कंप्यूटर रूम. कंप्यूटर रूम में बहुत सारे कंप्यूटर होते हैं और हमारी जो कंप्यूटर टीचर है वो हमें कंप्यूटर के बेसिक्स के बारे में बताती हैं. सो स्टूडेंट्स, दिस इज़ ऑल अबाउट योर स्कूल. तो आपको इन सब चीज़ों के बारे में ऑलरेडी पता है. जो बच्चे क्लासेस में रेगुलर रह रहे हैं उनको मैंने क्लास में भी बहुत अच्छे से समझाया है. सो यू जस्ट डिस्कस दिस चैप्टर विद योर पेरेंट्स. ओके, अपने पेरेंट्स का इस चैप्टर के बारे में डिस्कस करो. इट्स वेरी इजी, सब कुछ आपके स्कूल के बारे में ही है. टिल नाउ, बाय बाय, टेक केयर.